आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़। सवाई माधोपुर जिले में इन दिनों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल सहित मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये है कि 300 बेड के जिला अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है और अस्पताल के सभी वार्ड में मरीजों की भारी भीड़ है। मौसमी बीमारियों के चलते सबसे बुरा हाल जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड का है, जहां एक एक बेड पर 3 से 4 बच्चे भर्ती है। मौसमी बीमारियों के चलते बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाए गए। बावजूद इसके मरीजों के लिए अभी भी बेड कम पड़ रहे हैं। मौसमी बीमारियों के चलते जिले में घर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। जिला अस्पताल के PMO BL मीणा ने बताया कि मौसम परिवर्तन और मच्छर जनित बीमारियों के कारण पिछले करीब 20 दिनों से मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिला अस्पताल की OPD 1600 से 2000 चल रही है। रविवार के दिन भी जिला अस्पताल की OPD 1000 से 1200 रहती है। PMO ने बताया, इन दिनों सर्वाधिक मरीज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल से पीड़ित है, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों की भीड़ है। मौसमी बीमारियों का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, जिसके चलते बच्चे अधिक बीमार हैं। अस्पताल प्रशासन की लाख कोशिश और व्यवस्थाओं के बावजूद जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में जबरदस्त भीड़ है। एक एक बेड पर 3 से 4 बच्चे भर्ती है। ऐसे में चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा स्टाफ को भी बच्चों के उपचार को लेकर भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके अभी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला अस्पताल में चिकित्सक पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन मरीजों की भीड़ इतनी है कि बेड कम पड़ रहे हैं और चिकित्सक चाहकर भी कई मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे। जैसे तैसे गंभीर मरीजों को बेड उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला अस्पताल की क्षमता से अधिक मरीज अस्पताल आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन के समक्ष परेशानी खड़ी हो रही है। PMO ने बताया कि अस्पताल में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक व्यवस्था की जा रही है और मरीजों को राहत देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिला अस्पताल जैसे ही हालात जिले के अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों के भी हैं, यहाँ भी मरीजों की भीड़ है। मरीजों की भीड़ को देखते हुए वहाँ अतिरिक्त बेड बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं अन्य वार्ड को भी मेडिकल वार्ड में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या के आगे अस्पताल प्रशासन के सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। PMO के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके बाद ही मरीजों की संख्या में कमी आ पाएगी। सवाई माधोपुर से हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि इस टाइम वायरल चल रहा है, वायरल में ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो पेशेंट URI और बुखार के संबंधित ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, और मेडिकल का और चिल्ड्रन वार्ड का OPD और इंडोर दोनों ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि दोनों में ही ये वायरल का प्रकोप है। और हमारे पास जो OPD जो चल रहा है, करीबन हमारे पास 1600 से लेकर 2000 के बीच में डेली का OPD लग रहा है। संडे और GH को भी हमारा 800 के बीच का OPD लग रहा है, और इनमें डेंगू पॉजिटिव केस भी निकल रहे हैं। और वार्ड को हमने इस ढंग से व्यवस्थित कर रहे हैं जैसे कोविड में किया था हमने, तो मेडिकल वार्ड को जो पेशेंट बेड का वार्ड है उसको हमने डबल कर रखा है, जिसमें सर्जिकल वार्ड, एक्स्ट्रा वार्ड, आइसोलेशन वार्ड मिला के और 130 बेड कर रखे हैं, और उन्हीं से हम काम चला रहे हैं। टर्नओवर बढ़ाते हैं पेशेंट, लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है पेशेंट डर के मारे जल्दी जाना नहीं चाहते, तो और सिचुएशन हो जाता है, लेकिन फिर भी व्यवस्था हमारी सुचारू चल रही है। देखिए, ये शुरू से ही सीजनल बीमारियाँ होती हैं, जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो वायरल इन्फेक्शन होता है, और अभी सर बरसात का अच्छी होती तो मच्छर जनित बीमारियाँ भी हैं हमारे पर। अभी जो केस निकल रहे हैं उसमें मलेरिया और डेंगू, मलेरिया कम निकल रहा है, डेंगू केस भी आ रहे हैं। अब एक डेंगू का यदि केस भर्ती होता है 3 से 5 दिन उसको रुकना ही पड़ता है, मतलब रुकना पड़ता है, जब तक घंटा बढ़ती नहीं। 30-40 के आसपास एडमिशन हो रहे हैं, एक घंटा 28 मिनट है टोटल, तो बेड कम है और उसके साथ पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पेशेंटों का बेड ऑक्युपेंसी रेट भी ज़्यादा है, 3 से 5 दिन हो गए, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट इस सीजन में बढ़ते ही है। जब सीजनल बीमारियाँ डेंगू के अलावा भी सर कोई बुखार के वायरल इन्फेक्शन है, सीजनल बीमारी जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो शाम के टाइम पर गर्मी पड़ती है, रात को ठंड पड़ती है, तो उससे वायरल इन्फेक्शन होता है। वो भी मतलब बच्चों में अगर बीमारी की बात करें तो अभी इस टाइम परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है, और ये हमेशा ही रहता है जब भी मौसम परिवर्तन होता है।